सो गाइस, अगर आपके पास डिजो की वॉच सीरीज है तो आपको ये कंपैरिजन अच्छा लग सकता है। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स मेरे पास है, अच्छा खासा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से। अच्छी वॉच है और बॉक्सी डिज़ाइन में मिलती है, थोड़ी सी मोटी यहाँ पे जो पूरा का पूरा केस है इसका पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है, थोड़ा सा मोटा भी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये आपकी बोल्ट की ड्रिफ्ट है, कॉलिंग फैसिलिटी के साथ अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, और ये भी आपको अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिलती थी, बट इसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। कभी कभी सेल पे आती है डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स, आप इसको ग्रैब ऑन कर पाओगे। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोनों ही वॉचेस की, लो प्राइसिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो वैसे। और लुक और फील की बात करें, यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया, दोनों में ही इस तरीके का मिल जाता है। और ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हो दोनों की बेटर है, डिस्प्ले क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा दोनों की टॉप नॉच यूज़ करी गई है। कलर एक्यूरेसी या डीपर ब्लैक्स की बात करें तो दोनों में ही बेटर आपको देखने को मिल जाता है, राइट। और साथ में यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर दोनों में देखने को मिलते हैं, SPO2HR के लिए यहाँ पे सेंसर मिल जाता है, देख सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस में आई डोंट नो यहाँ पे दिक्कत क्यों हो रही है आज, इस तरीके से मिल जाता है। और SPO2 के लिए ये रहा यहाँ पे भी, और ये मैग्नेटिक पिंस मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, ओके अब सही है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, आप आफ्टर मतलब चेंज कर सकते हो इनफैक्ट। और यहाँ पे ये मेटल का क्लैप्स मिल जाता है दोनों में ही, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे बटन की जो प्लेसमेंट है इस तरीके से मिल जाती है दोनों में ही, ये देख सकते हो कौन सा असली में कौन सा नहीं आप खुद पता लगा सकते हो। यहाँ पे कोई भी स्पीकर माइक का सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे स्पीकर और माइक दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से। ये रहा माइक या ये है माइक आई डोंट नो, बट स्पीकर ये रहा इधर की साइड, और ये पूरा का पूरा ओवरव्यू मिलता है। और डिस्प्ले की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरफ से, आप अगर देखो तो यहाँ पे इसको मैं दूसरा चेंज कर देता हूँ वॉच फेस यहाँ पे, ओके वॉच फेस हम चेंज करके देख लेते हैं एक बार यहाँ पे इस तरीके से। डिजो में तो लाइव वॉच फेस भी सपोर्ट करता है, इसमें लाइव वॉच फेस सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पे अपने पिक को एज अ वॉच फेस मैं लगाता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ ये रहा, और पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ओके ये रही डिजो में इतनी हो जाती है, और यहाँ पे भी आपकी फुल है। तो डिजो में ज़्यादा ब्राइटनेस लग रही है मेरे को, देख सकते हो आप, मेरे को ज़रूर बताना। वैसे तो वैसे मेरे को दोनों में ही ठीक लग रही है, राइट। तो यहाँ पे कम कर लेते हैं हाफ, और यहाँ पे भी हम हाफ कर लेते हैं, यहाँ पे हम होम पे आते हैं, इस तरीके से मिलता है दोनों में ही आपको। और ये देखना आप मेरे को बताना कि दोनों में वॉलपेपर में जो शार्पनेस है किसकी बेटर लग रही है, आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे आप रोक के देख के मेरे को बता सकते हो किस में आपको शार्पनेस बेटर लग रही है, किस में आपको शार्पनेस बेटर नहीं लग रही है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट साइज आपको मिलता है ड्रिफ्ट का, बोल्ट ड्रिफ्ट का, कॉलिंग फैसिलिटी के साथ भी ये कॉम्पैक्ट वॉच मिलती है। और यहाँ पे डिजो वॉच जो 2 स्पोर्ट्स है ये आपको कॉम्पैक्ट नहीं थोड़ी सी ज़्यादा मोटी लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉचेस, और इससे भी थोड़ी सी मोटी लग रही है। और डेफिनेटली ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है डिजो से, बट डिजो एक्यूरेसी के मामले में स्लाइटली बेटर है आपकी इससे, वो देखेंगे आगे। बट यहाँ पे और फीचर्स को चेक करते हैं सारे के सारे जो हैं हमारे, दोनों ही 1.69 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आती है, और जो बेजल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है दोनों में ही, मतलब सिमेट्रिकल क्या कहूँगा यहाँ पे, दोनों में ही सिमिलर कह सकते हैं आप इसको, राइट। और शार्पनेस में अगर अपने उससे देखो अपने एंड से चेक करूँ तो यहाँ पे शार्पनेस मैं आपको बताता हूँ, बोल्ट की ड्रिफ्ट मेरे को शार्पनेस ज़्यादा बेटर लग रही है अगर मैं डिजो वॉच 2 स्पोर्ट से कंपेयर करूँ तो। तो आगे चलते हैं और फीचर्स को चेक करते हैं, यहाँ पर नीचे की साइड से स्वाइप करते मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पर मेन्यू खुल जाता है, मेन्यू में आप यहाँ पर जा सकते हो, बट हम एक बार टॉगल मेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पे D&D मोड मिलता है दोनों में ही, ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पे टाइमर मिल जाता है, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल है, यहाँ पे रेस्ट वेक है, यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स हैं इस तरीके से, और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही। सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे, तो कुछ यूनिक यहाँ पे बेटर यहाँ पे काम किया गया इस तरीके से। डिस्प्ले की बात करें, स्क्रीन टाइम यहाँ पे 30 सेकंड का आप कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ऑटो लॉक का ऑप्शन है मिल जाता है 20 सेकंड तक मैक्सिमम का। और वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, सॉफ्ट ऑफ या स्ट्रॉन्ग, तो मैंने स्ट्रॉन्ग कर रखी है। यहाँ पे आपको वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता। लो पावर मोड मिल जाता है, यहाँ पे भी लो पावर मिल जाता है आपको। और फिट नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, सैनिटरी रिमाइंडर हो गया या ड्रिंक वाटर रिमाइंडर हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा सच ऑप्शन नहीं मिलता। बट यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन, यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलता है, तो यहाँ पे रिंग टोन भी आपको सुनाई देगी, बट रिंग टोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता जैसे कि बोर्ड की वेव कनेक्ट में मिलता है। तो ओवरऑल फीचर्स इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं। और बैटरी है, QR पावर ऑफ है, और यहाँ पे बैक करते हैं, सिस्टम है, अबाउट है, दैट्स इट। यहाँ पे टाइप करते हैं, होम पे चले जाते हैं, यहाँ पे भी टाइप करके होम पे चले जाते हैं, यहाँ पे दोबारा टाइप करते हैं ये बंद हो जाती है, और यहाँ पे भी दोबारा टाइप करते हैं ये बंद हो जाती है। रेस्ट टू बैक चेक करते हैं दोनों ही वॉचेस का एक बार, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स डेफिनेटली बहुत आगे थी, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर थी, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स आगे निकल गई, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है दोनों में ही। और गाइस अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ सारे के सारे, तो फंक्शंस को चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे नीचे की साइड से स्वाइप करने पे इस तरीके से मिलता है। मैं मेन्यू चेंज कर लेता हूँ इसका, सेम इसी तरीके से कर लेता हूँ, 9 ग्रिड्स वाला, 9 लाइट वाला ये वाला, और यहाँ पे भी इस तरीके से मिल जाता है। एक्टिविटी डाटा शो करता है, दोनों में ही सिमिलर चीज़ें हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे फ़ोन मिल जाता है, इसमें फ़ोन का ऑप्शन नहीं है डिजो में तो वो शो नहीं करेगा। यहाँ पे हार्ट रेट मिल जाता है, स्लीम मॉनिटर है। हार्ट रेट को ओवर टू द एयर चेक करते हैं एक बार दोनों ही वॉचेस में। वेयर द वॉच प्रॉपर्ली बता रहा है, डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स अभी भी स्कैन कर रही है, देखते हैं बताता ही नहीं बताता। और गाइस यहाँ पे भी नहीं बता रहा है। बीपी मॉनिटर चेक करते हैं यहाँ पे, जब तक हम एस पी ओ टू चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वेयर द वॉच प्रॉपर्ली बता रहा है तो ओवर टू द एयर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एस पी ओ टू चेक करते हैं दोनों ही में, यहाँ पे मेजर फेल आ रहा है दोनों में ही। स्लीप ट्रैक कर सकते हैं, उसी के साथ साथ वर्कआउट मोड मिल जाते हैं और एक्सरसाइज यहाँ पे मिल जाते हैं। वर्कआउट मिल जाते हैं यहाँ पे, वर्कआउट आपको 110 तक मिल जाते हैं। वैसे इसमें 15-16 ही मिलते हैं, बट इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं ऑन द वॉच इटसेल्फ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरनल मेमोरी दे रखी है, तो ये ज़्यादा बेटर किया गया है ड्रिफ्ट में एज़ कम्पेयर टू बोट की, एज़ कम्पेयर टू डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स। इसमें आपको सिंक करने पड़ते हैं, तो इस तरीके से मिल जाता है यहाँ पे चीज़ें। और इसमें ज़्यादा चीज़ें शो कर रहा है, इसमें आपको कम चीज़ शो कर रहा है। एक बार इसको स्टॉप कर देते हैं, यस। यहाँ पे भी हम बैक चलते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, यस। और गाइस यहाँ पे और चीज़ें अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वर्कआउट रिकॉर्ड्स है। अलार्म यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑन द वॉच लगा सकते हो, यहाँ पे आप अलार्म ऑन द वॉच नहीं लगा सकते, थ्रू द एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा बोल्ड ड्रिफ्ट में। और वेदर है दोनों में ही दिख जाता है आपको। स्टॉप वॉच मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है, एआई वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है इसमें। इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे स्पीकर माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है। म्यूजिक है, टाइमर है, कैमरा है, ब्रीथ ट्रेनिंग है, यहाँ पे भी कैमरा है, स्टॉप वॉच है, ब्रीथ ट्रेनिंग इसमें मिल जाता है। अलार्म यहाँ पे आप लगा नहीं सकते थ्रू द वॉच, और म्यूजिक कंट्रोल है, और टाइमर है, फ्लैश लाइट है, यहाँ पे भी इस तरीके से मिल जाता है ओवरऑल। तो सारे के सारे फीचर्स तो इस तरीके से दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, बट मेरे को फीचर्स ज़्यादा बेटर लगे ड्रिफ्ट के एज़ कम्पेयर टू बोट, एज़ कम्पेयर टू डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स, राइट। और कलर एक्यूरेसी तो दोनों में ही ठीक लगती है और इस तरीके से मिल जाता है, राइट। अब एक काम करते हैं, दोनों को ही पहन लेते हैं और ओवर टू द हैंड्स चेक करेंगे साथ में। यहाँ पे रेस्ट टू बैक तो चेक कर ही लिया है यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, बट यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे ओवर टू द हैंड्स। तो दोनों ही वॉचेस को मैंने पहन लिया, इस तरीके का लुक मिलता है आपको। और यहाँ पे आप मेरे को बताना दोनों में से कौन सा बेटर लग रहा है। दोनों ही इन हैंड फील, मेरे को तो डेफिनेटली इसका इन हैंड फील ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये थोड़ी सी बॉक्सी डिज़ाइन में आती है, थोड़ी सी मोटी है, और ये ज़्यादा स्लिम है। स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज वेस्ट के लिए डेफिनेटली बेटर है, और ये आपकी मीडियम टू लार्ज वेस्ट के लिए बेटर है। थिन वेस्ट पे थोड़ी सी और लग सकती है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता बराबर, बट इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को टॉप नॉच लगी थी अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। अब गाइस एस पी टू एचआर को चेक करने से पहले एक बार रेस्ट टू बैक चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने कर लिया था रेस्ट टू बैक चेक स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे ये ऑन हो गई, ये ऑन हुई है, थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं, तो ये ऑन हो गई है। तो गाइज हिट एंड मिस है यहाँ पे, एक बार एस पी ओ टू एच आर को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी बड़ी वीडियो बन चुकी है। आई डोंट नो कहाँ चला गया एस पी ओ टू एच आर, यहाँ पे भी एच आर को चेक करते हैं। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर बताता है, कौन सा यहाँ पे डिले होगा। यहाँ पे 91 शो कर रहा है डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में, और वो अभी स्कैन कर ही रहा है, देखते हैं कितना बताता है उसमें आपका। उसमें 90 शो कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही मिलता है आपको। एस पी ओ टू चेक करते हैं, यहाँ पे बीपी एस पी ओ टू, तो यहाँ पे देखते हैं कौन जल्दी बताता है, कौन टाइम लेता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एचआर मॉनिटर तो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बट एस पी ओ टू के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप थ्रू द वॉच देखें। अगर आप कोई मेडिकल सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो आपको ऑक्सीमीटर ही यूज़ करना चाहिए। वैसे इसमें 97 दिखा रहा है, इसमें 98 शो कर रहा है, तो इस तरीके से मिल जाता है गाइस। यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं कहूँगा यहाँ पे ड्रिफ्ट ही है। मैं डेफिनेटली ड्रिफ्ट को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू किया है, और ओवरऑल वॉच मेरे को बेटर लगी है। ज़ेब्रॉइंस की अगर मैं ड्रिफ्ट से कंपेयर करूँ तो ये मेरे को बेटर लगी है, बट मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूँगा जहाँ पे मैं कंपेरिजन करूँगा ज़ेब्रॉइंस की ड्रिफ्ट के साथ इस वॉच का, और माइक टेस्ट भी करेंगे और स्पीकर टेस्ट भी करेंगे। उसी के साथ साथ इन दोनों में मैं बेटर इसको रखना चाहूँगा। ये आप ले रहे हो तो थोड़े पैसे मिला के यही ले लो, 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में ज़्यादा बेटर रहेगी। नेक्स्ट सेल जब होगी मैं आपको बता दूंगा वैसे तो। और इन हैंड फील भी बोल्ट का ज़्यादा बेटर है, और लुक एंड फील आप जरूर खुद ही चेक कर सकते हो किसका बेटर है। मेरे को तो बोल्ट का ही बेटर लग रहा है, तो डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स यहाँ पे हार जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे डिजो वॉच डी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ये तब भी जीत जाएगी आपकी, वो ज़्यादा बड़ी आ जाती है, और लुक और फील उसका भी अच्छा है, स्टेनलेस स्टील का डायल मिलता है। तो गाइस कैसा लगा आपको कंपैरिजन, आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी ऑल कर दो, साथ में फॉर माय टेक बुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।